और अब खबर दुर्ग से है, जहां भिलाई चरौदा मेयर सहित 150 लोगों पर FIR दर्ज हुई है बिना अनुमति प्रदर्शन करने और हुड़दंग में शामिल होने का आरोप है इन पर। कांग्रेसियों ने मंगलवार को सिरसा गेट पर धरना प्रदर्शन किया था। थाने के घेराव के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई, 3 जवान घायल हुए थे और भिलाई 3 थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी आपके पास? ये पूरा मामला 2 दिन पहले का है, जब कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है प्रदर्शन कर रहे थे भिलाई के सिरसा गेट में। उनका धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसके बाद में थाने का घेराव का कार्यक्रम था। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में थाने का घेराव करने के लिए पहुंच रहे थे, उसके बीच में पुलिस ने उन्हें रोक लिया और काफी विवाद की स्थिति हुई थी। इस बीच में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था, जिसमें कई कार्यकर्ताओं के साथ में पुलिस के विभाग के भी अधिकारियों को चोट आई थी, एक PI को चोट आई, 2 अन्य जवान है जिनको भी चोट आई है। इस पूरे मामले में अभी भिलाई टीम 14 के जो मेयर है निर्मल कुमार सहित अन्य 150 लोगों के खिलाफ में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और उसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि प्रदर्शन हो रहे हैं और एक के बाद एक राजनीति भी काफी गर्म हो रही है। और 2 दिन पहले ऐसे ही था एक मामले कि CM भूपेश बघेल के साथ में कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा बदसूली के आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी, उसी दौरान ये घटना घटित हुई थी। प्रशासन की माने भी है कि उनके द्वारा कोई अनुमति नहीं ली गई थी और अनाधिकृत तरीके से वो वहां पर घुसने का प्रयास कर रहे थे और कोई परमिशन नहीं होने की वजह से उनको पहले ही जताया गया था कि आप प्रदर्शन ना करें क्योंकि अनुमति नहीं है। बावजूद इसके उन्होंने प्रदर्शन किया और आखिरकार अब जो है उस सभी के खिलाफ में करीब 150 लोगों के खिलाफ में FIR दर्ज की गई है, आगे की कार्रवाई जारी है। जी बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। कार्यकर्ताओं पर FIR के खिलाफ सड़कों पर अब कांग्रेस उतरेगी। करीब 150 से भी ज्यादा कांग्रेसियों पर FIR दर्ज हुई है और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने ये निर्देश दिए हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए जिन पर कार्रवाई हुई है, जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। FIR के खिलाफ अब सड़कों पर कांग्रेस उतरेगी और फिर मोर्चा संभाले, दीपक बैज की तरफ से भी ये कहा गया है। लाठीचार्ज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब इसके विरोध में कांग्रेस जो एक बार फिर से सड़कों पर नजर आएगी, हालांकि देखना होगा कि ये कितना बड़ा रूप लेने वाला है। पुलिस के साथ झड़प हुई थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता दर्जन भर से भी ज्यादा कार्यकर्ता ऐसे हैं जो घायल हुए, तो कई लोगों पर केस दर्ज हुआ। अब इसके खिलाफ सड़कों पर कांग्रेसी एक बार फिर नजर आएंगे, दीपक बैज ने निर्देश दिए हैं। और अब खबर सारंगढ़ से है। ठगी के शिकार लोगों को वापस पैसे मिलेंगे। ठग शिवा साहू से लोगों को वापस पैसे मिलेंगे। ठगी के शिकार हुए लोग 6 सितंबर तक सरसीमा थाने में आवेदन जमा करा सकते हैं। करोड़ों रुपए की ठगी करने के बाद फरार चल रहा था शिवा साहू, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। 19 जून को रायपुर से गिरफ्तार किया गया। शिवा साहू की गिरफ्तारी के बाद लोगों को जमा किए पैसे वापस मिल जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी शेयर मार्केट के नाम पर लोगों से पैसे वसूले थे, करोड़ों रुपए वसूले थे, लेकिन अब उनके पैसे वापस करने की बारी आ गई है और आवेदन का एक वक्त तय किया गया है। अगर आपके भी पैसे ठगे हैं तो फिर आप आवेदन कर सकते हैं और ठगे हुए पैसे को वापस पा सकते हैं, क्योंकि आरोपी शिवा साहू को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और टारगेट है कि जितने भी लोगों के पैसे ठगे गए हैं उन्हें वापस लौटा दिया जाए। योगेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। योगेश, कैसे ये आवेदन किया जाएगा, कब तक किया जाएगा, कैसे पैसे वापस मिल पाएंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही जो चर्चा में था ठग शिवा साहू, आखिरकार पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद लोग ये मुश्किल में थे, ये संस्था में थे कि शिवा साहू की गिरफ्तारी तो हो गई लेकिन इनके द्वारा जो ठगे हुए पैसे हैं वो तो कैसे वापस होंगे। तो आपको बता दें कि न्यूज 18 के दर्शकों को कि आखिर शिवा साहू से आप ठगी का शिकार हुए हैं तो 6 सितंबर तक सरसीमा थाने हैं सारंगढ़ जाएंगे, वहां आप आवेदन जमा कर सकते हैं, जिसके बाद 10 सितंबर को जो आवेदन है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा और जिन जिन लोगों के साथ जो शिवा साहू ने ठगी की है उनको उनका पैसा बहुत जल्द मिल जाएगा। क्योंकि पुलिस ने एक अच्छी मुहिम की शुरुआत की है कि जो लोग ठगी का शिकार हुए हैं वो उनका जो पैसा है वो 6 सितंबर तक उनके लिए आवेदन जमा कर सकते हैं और 10 सितंबर को कोर्ट में जाने के बाद उनका पैसा बहुत जल्दी मिल जाएगा। जाहिर सी बात है कि कुछ महीने पहले शिवा साहू ने
क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट के नाम से लोगों से अच्छी खासी मोटी रकम वसूली थी कि 1 लाख रुपए से जस्ट डबल पैसा कुछ ही महीनों में देते थे 30% ऐसे करके। लेकिन कुछ महीने लोगों को पैसे देने के बाद पैसे आने लोगों को जब बंद हुए तो कहीं ना कहीं कई लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उसके बाद शिवा साहू आगे फरार चल रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उसके 3 से 4 साथियों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद शिवा साहू को 19 जून को रायपुर राजधानी में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद करोड़ रुपए की कैश और उनकी गाड़ियां और उनकी कई जगह पर जो जमीन उनको पुलिस द्वारा सीज किया गया था। हालांकि इस पूरे मामले पर जितने भी रकम शिवा साहू के पास है उन तमाम रुपयों को जो आवेदक है जिनके साथ ठगी हुई है उनको देने का काम पुलिस शुरू कर चुकी है और 6 सितंबर तक सरसिवा थाने में जो आवेदक है जिनके साथ ठगी हुई है वो आवेदन जमा कर सकते हैं, जिसके बाद 10 तारीख को कोर्ट में आवेदन जाने के बाद आगे पुलिस अपना काम करेगी। बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी साझा करने के लिए। अब बात करेंगे पेंड्रा की, जहां 9 टीचर्स का 1 दिन का वेतन काटा गया है। निरीक्षण के दौरान स्कूल में ताला लगा हुआ था, कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया और अचानक से जब इंस्पेक्शन किया गया तो फिर ताला लगा हुआ स्कूल में नजर आया, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है और 9 टीचर्स के 1 दिन की सैलरी काटी गई है। निरीक्षण के दौरान स्कूल में ताला लगा हुआ मिला। सुबीर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुबीर, ये तो 1 दिन की बात थी, जब इंस्पेक्शन के लिए टीम गई तो वहां पर देखी तो ताला लगा हुआ था, क्या आए दिन ऐसे ही ताला जड़ा रहता है स्कूल पर? जी जी, बताना चाहूंगा कि ये पेंड्रा ब्लॉक के भाड़ी गांव का जो प्राथमिक स्कूल है और जो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल है वहां का मामला है, जहां कलेक्टर गई हुई थी और कलेक्टर जो औचक निरीक्षण में गई हुई थी और वहां जाकर उन्होंने देखा कि समय से पहले वहां स्कूल की छुट्टी कर दी गई थी और वहां ताला लगा हुआ था, जिसके बाद जो है कलेक्टर ने इस पर कार्यवाही करते हुए वहां पदस्थ सभी 9 शिक्षकों का 1 दिन का वेतन काट लिया और अवैतनिक इस पर कार्यवाही की। और आसपास से लोगों से भी इस चीज की जानकारी ली गई तो बताया गया कि इस तरह से कई दफे ही ऐसे किया जाता है और वहां पे समय से पहले छुट्टी दे दी जाती है या तो फिर जो स्कूल का जो समय होता है उसके बाद स्कूल को खोला जाता है, जिसके बाद कलेक्टर ने जिला अधिकारी को, शिक्षा जिला अधिकारी को इस चीज के निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूलों में इस तरह की जांच हो कि स्कूल जो है सही समय पर खुले और जो है सही समय पर बंद हो। जी बिल्कुल, और वाकई में जिस तरीके से इन दिनों स्कूल से जुड़ी खबरें आ रही हैं काफ़ी निराशाजनक हैं कि बिल्कुल भी जो शिक्षक हैं वो बच्चों के लिए नहीं सोच रहे हैं ना भविष्य के लिए उनके सोच रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुबीर जानकारी साझा करने के लिए। जगदलपुर से खबर है, जहां अवैध रूप से पेड़ की कटाई करना महंगा पड़ गया। अवैध रूप से पेड़ की कटाई करने वाले को दबोचा गया है। वन विभाग ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। विवादित जमीन पर कब्जा करने के लिए कटाई की थी। कोटेकामा के ग्रामीणों ने 150 पेड़ों की कटाई की थी और देखिए कैसे प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो इन्हें भी पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई कर रहे थे क्योंकि वहां पर इन्हें कब्जा करना था। लगभग 150 पेड़ों को इन्होंने काटा, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, बहुत समय से हमको सूचना मिल रही थी कि पिपलाउंड और कोटेकामा के जो लोग हैं सीमा विवाद लेकर के लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं करके, और इसी बीच जो है इसी विवाद के चक्कर में, सीमा विवाद के चक्कर में कोटेकामा ग्राम के जो लोग हैं वो 1107 कंपार्टमेंट में जो है कुछ पेड़ों को अवैध रूप से अतिक्रमण करने के उद्देश्य से काट दिया। तत्काल सूचना मिलने पर हम लोग गए और उन लोगों के उनके नाम से पीआर करके सभी वनोपज जब्त करके लाए हम लोग। और अब बात करेंगे प्रतिभावान खिलाड़ियों की, जिन्हें आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मानित करेंगे, पुरस्कृत करेंगे। आज छत्तीसगढ़ खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे, जिसमें की 97 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। साल 2021 से 22 और 22 से 23 के लिए 97 खिलाड़ियों का सम्मान होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 97 खिलाड़ियों को 76 लाख की पुरस्कार राशि दी जाएगी। पदक विजेता 502 खिलाड़ियों के बैंक खाते में 60 लाख रुपए आएंगे। समारोह में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का जहाँ कहना है कि कांग्रेस सरकार ने इसे बंद कर दिया था, अब साय सरकार इसे लगातार चालू रखेगी। प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए ये अवसर का पल है।
छत्तीसगढ़ में राज्य अलंकरण समारोह का एक बार फिर से आयोजन किया जा रहा है। सीएम साय की सरकार ने इसकी घोषणा की। अब इसे लेकर बीजेपी से वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर का बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिस आयोजन को बंद कर दिया था उसे पुनः 5 साल बाद शुरू किया जा रहा है। ये आयोजन अब हर साल किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर पिछली सरकार ने उपेक्षा की थी, अब ये निरंतर जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने खेल दिवस की भी बधाई दी है। दिवस है उसकी बहुत बहुत बधाई, और मैं अपेक्षा करूंगा कि नई सरकार प्रतिवर्ष खेल अलंकरण देगी। जो खेल और खिलाड़ियों की उपेक्षा विगत 5 सालों में हुई वो सिलसिला टूटा और इसमें अब निरंतरता रहेगी। मैं ऐसी अपेक्षा नए खेल मंत्री जी से। विश्व शुक्ला संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्व शुक्ला, आज प्रतिभावान जितने भी खिलाड़ी हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, कैसे इनका चयन हुआ है, किन खिलाड़ियों को आज जो है सम्मानित किया जाना है, कैसे पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से राज्य खेल अलंकरण समारोह की जो है शुरुआत हो चुकी है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज खेल दिवस के अवसर पर इन जो प्रतिभावान जो है खिलाड़ी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के, उनको जो है सम्मानित करेंगे। और इस कार्यक्रम की जो है वो अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर जो है रमन सिंह करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, दोनों उप मुख्यमंत्री, इसके साथ ही खेल मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और खिलाड़ियों को जो है सम्मानित करेंगे। दोपहर 12 बजे ये पूरा कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगा। और पिछले 5 साल से अगर बात करें तो खेल अलंकरण समारोह जो है वो नहीं हो रहे थे। इसको लेकर जो बीजेपी हमलावर है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस के समय में जो उपेक्षा हुई है खिलाड़ियों की, उसकी जो है वो भरपाई की जाएगी और जो भी इस पे जो है दोषी होंगे उन जिम्मेदारों से जो है वो इसकी वसूली भी की जाएगी। ये टंकराम वर्मा का कहना है। और टंकराम वर्मा ने ये भी कहा है कि पिछली सरकार में जो खिलाड़ियों के साथ जो खेला हुआ था वो इस सरकार में नहीं होगा। इस साल जो उनकी जो है शुरुआत हो रही है इस समारोह की, और खिलाड़ियों को जो हर साल अब जो है सम्मानित किया जाएगा राज्य खेल अलंकरण सम्मान से। कुल जो है 97 खिलाड़ी हैं जिनको 76 लाख रुपए की जो है वो राशि भी दी जाएगी, उनका सम्मान भी किया जाएगा। ठीक, तो एक तरफ जो है वो आगे मैं आपसे जानकारी लूंगी कि ये पूरा जो आयोजन है वो कितना खास और भव्य रहने वाला है। धनंजय सिंह ठाकुर मेरे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता। धनंजय जी, लगातार बीजेपी ये कह रही है कि 5 साल से आप लोगों ने इस आयोजन को बंद कर दिया था, खिलाड़ियों को सम्मान नहीं दे रहे थे आप लोग, 5 साल बाद इसकी शुरुआत बीजेपी ने की है और इसको निरंतर जारी रखा जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को स्मृति लोप है, इनको तो बताना चाहिए ना। जब नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में तालाबंदी कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, लोग अपने सुख और दुख में नहीं जा पा रहे थे, किसी घर में शादी ब्याह नहीं हो पा रहा था, पूरे मार्केट बंद थे, किसी के मरनी हरनी कार्यक्रम नहीं हो रहा था, वैसे में खेल अलंकरण समारोह कैसे होगा? तो अगर इस प्रदेश में 20, 21 और 19 में खेल अलंकरण समारोह नहीं हो पाया, उसके लिए तो नरेंद्र मोदी सरकार की लापरवाही जिम्मेदार है। तो ये स्मृति लोप के शिकार है। और उस दौरान खेल हुआ तभी तो आज ये खेल अलंकरण समारोह कर रहे हैं ना, खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर रहे हैं ना। पर क्या ये 8 महीने में कोई खेल का आयोजन कर पाए क्या? और सिर्फ आरोप लगाकर नरेंद्र मोदी के नाकामे को छिपा नहीं सकते हैं। बताए ना भाई, जब राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में कोविड जैसी बीमारी आने की संभावना है, उसको रोका जाए, तब नरेंद्र मोदी जी तो नमस्ते ट्रंप करने में लगे हुए थे, पूरा देश में ताला लग गया था। और लॉकडाउन में कैसे होता खेल अलंकरण समारोह? ठीक है, इसी पर कॉर्नर में अशोक बजाज से लूंगी। अशोक बजाज मेरे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस ने 5 साल तक इसको बंद रखा, ऐसा कोई आयोजन नहीं किया, ना खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, ना उन्हें पुरस्कृत किया गया, उनकी मेहनत को नहीं सराहा गया। और कांग्रेस का ये कहना है कि जब आपदा थी तो आपदा में अवसर हम कैसे निकालते? आपदा तो कुछ महीने तक थी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से COVID-19 के लिए प्रयास किया गया, खत्म करने के लिए वैक्सीनेशन जारी किया गया, आइसोलेट आज लगभग पूरा देश कोरोना शून्य है। तो मोदी जी के इस कार्य क्षमता को सराहना चाहिए। और ये जो लोग बात कर रहे हैं, धनंजय जी बोल रहे हैं, इनकी पार्टी के लोग तो वैक्सीन को मजाक उड़ा रहे थे, बोले ये वैक्सीन लगाने से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आदमी कमजोर हो जाएगा। लेकिन बाद में फिर जब वैक्सीन पहुंचा तो सबसे पहले हाथ बढ़ा बढ़ा के वैक्सीन लगाने वाले यही लोग थे।
तो कुल मिलाकर कुछ महीनों तक चलिए देखना होगा कि आगे इस आयोजन को किस तरीके से लिया जाता है, क्या रूप दिया जाता है। लेकिन वाकई में सराहनीय कदम ये कि जो खिलाड़ियों की मेहनत है उसको सराहा जा रहा है और आज पुरस्कृत भी किए जाएंगे तमाम खिलाड़ी। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सदस्यता अभियान की, तो इसको लेकर रायपुर में बीजेपी की बैठक होनी है। बीजेपी मुख्यालय में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक होगी। बीजेपी प्रकोष्ठों और मोर्चों के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश के अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत संगठन के पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। तो सदस्यता अभियान जिसको लेकर राजधानी में चर्चा भी हुई, रणनीति तैयार की गई इस पर। 50 लाख का टारगेट है, 50 लाख सदस्यों को पार्टी से जोड़ने का टारगेट है। हर दिन एक सीमित संख्या में लोगों को बीजेपी से जोड़ा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष सहित संगठन के पदाधिकारी आज की इस मीटिंग में शामिल होंगे। महत्वपूर्ण बैठक होनी है सदस्यता अभियान को लेकर। बीजेपी रणनीति तैयार कर रही कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक होगी। तो सदस्यता अभियान की जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की है। कितने सदस्यों को जोड़ेंगे, किस तरीके से पूरी रणनीति तैयार की जानी है और सदस्यता अभियान को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई है। तनु, 50 लाख का टारगेट है, इतनी जल्दी पूरा तो नहीं होगा, लेकिन हर दिन कितने सदस्यों को जोड़ा जाएगा पार्टी से, क्या इसके लिए रोडमैप तैयार किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए भाजपा के देशव्यापी सदस्यता अभियान को लेकर लगातार जिला मंडल और बूथ लेवल पर बैठकों का जो दौर है वो जारी है। कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है और बीते दिनों भी राजधानी रायपुर के प्रदेश कार्यालय में सदस्यता अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी, जिसके बाद आज एक बार फिर सदस्यता अभियान को लेकर बैठक जो है वो रखी गई है। और इस बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत तमाम संगठन के वरिष्ठ नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। और इस बैठक के माध्यम से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 3 सितंबर से सदस्यता अभियान जो है वो शुरू होने वाला है, इन बैठकों के माध्यम से लगातार कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि जब वो नए सदस्य की बूथ लेवल पर कितने लोगों को जो है वो जोड़ना है, इसके साथ ही जब वो नए सदस्य बनाएंगे तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके अलावा सदस्यता बनाते समय उनको भाजपा की रीति नीति भी लोगों को समझानी है। इसके साथ ही 15 अक्टूबर तक चलने वाली इस अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ में 50 लाख सदस्य जोड़ने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है और इसको लेकर लगातार तैयारियों का जो दौर है वो जारी है। इसके लिए वॉर रूम का भी जो है वो गठन किया गया है और इस वॉर रूम के माध्यम से लगातार अभियान को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ ही सदस्यता अभियान को लेकर जो रणनीति बनाई जा रही है उस पर भी नजर रखा जा रहा है। इसके साथ ही बूथ लेवल तक इसकी जानकारी जो है वो ली जा रही है और इसके अलावा प्रदेश में अलग अलग 5 कमेटी का गठन भी किया गया है जो सदस्यता अभियान को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाने वाली है और 31 अगस्त तक सभी को इस अभियान की तैयारी पूरी करने का जो है वो लक्ष्य दिया गया है। ऐसे में जब 3 सितंबर से ये अभियान शुरू होगा तो इस अभियान को शुरू करते वक्त किसी भी तरह की दिक्कत सामने ना आए, इसको लेकर लगातार बैठकें की जा रही है, रणनीतियां जो है वो बनाई जा रही है और प्रत्येक बूथ में 50,000 लोगों को जोड़ने का जो लक्ष्य है वो तैयार किया गया है। तो लगातार बैठक को लेकर अलग अलग ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है, कार्यकर्ताओं को समझाया जा रहा है कि किस तरह से वो लोगों को सदस्यता अभियान के तहत कनेक्ट करें और बीजेपी में जोड़े, बीजेपी की रीति नीति उनको समझाए। तो लगातार इसको लेकर तैयारियां जो है वो की जा रही है और फिलहाल 31 अगस्त तक की तैयारियों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ऐसे में बैठकों के माध्यम से उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है, रणनीति पूरी तरह से तैयार की जा रही है। बहुत शुक्रिया तनु विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे पेंड्रा की, जहां जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटा दिया है। जिला अस्पताल के सामने से अतिक्रमण हटाया गया है। हमेशा ही पार्किंग को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं होती थी और विवाद भी देखने को मिला है। पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बुलडोजर का एक्शन लिया गया है। तो अतिक्रमण हटाने की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिला प्रशासन ने अतिक्रमण को हटा दिया है अस्पताल के सामने से। पार्किंग की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यह एक्शन लिया गया है। और अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं कांकेर की, जहां शहर में भालू दौड़ रहा है और लोग दहशत में हैं।
दरअसल एक भालू जंगल से भटककर शहर पहुंच गया, जिसका वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भालू कलेक्टरेट परिसर की दीवार पर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको तस्वीर दिखाएंगे कुछ ही देर में। ये तस्वीर आप देखिए जहां भालू जो है वो दीवार पर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान लोगों ने वीडियो भी बना लिया। अब ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। खेम नारायण संवाददाता साथ जुड़े। खेम नारायण, क्या भालू का रेस्क्यू कर लिया गया है? जी देखिए, कांकेर शहर और कांकेर शहर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में वन्य प्राणियों का जो है घुसपैठ काफी दिनों से जो है नजर आ रहा है, और इस मामले को लेकर जो है वन विभाग को सूचना भी दी जाती है, लेकिन इन वन्य प्राणियों को जो है शहर के अंदर और रिहायशी इलाकों के अंदर रोक पाने में जो है वन विभाग असफल नजर आ रहा है। वैसे ही एक वीडियो जो है बीती रात जो है कलेक्ट्रेट परिसर के दीवार पर एक भालू के दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग शहरवासी तो भालू और तेंदुए को देखकर जो है दहशत में रहते हैं, लेकिन कुछ जो युवा हैं वो इस भालू को देखते ही मजा करने लगे और अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है भालू का वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं। और इस प्रकार से वन्य प्राणियों का जो घुसपैठ रिहायशी इलाकों में हो रही है उसको लेकर काफी लोगों में जो है चिंता नजर आ रही है, क्योंकि इन वन्य प्राणियों की वजह से कई लोग घायल हैं और कई लोगों। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए खेम नारायण। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों